हेलो गाइस, मैं निकिता विजय कुमार माइनू क्लासरूम पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय रहने वाला है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इससे पहले भी जो है हम आपको व्याकरण के टॉपिक्स संधि समास अलंकार पर वीडियो बना चुके हैं, जिनके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो चलिए आरंभ कर लेते हैं। विकारी क्या होता है? जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, जिसमें परिवर्तन आ जाए, उसको कहते हैं हम विकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन कौन से हैं? विकारी शब्द हैं, जैसे उदाहरण से हम आपको समझा देते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अच्छा शब्द का उदाहरण हमने लिया है। तो अच्छा जो शब्द है हमने उसको तीन वाक्यों में प्रयोग किया है, जैसे हरियाणा एक अच्छा राज्य है, वहाँ की फसलें बहुत अच्छी हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा शब्द का परिवर्तन हो रहा है। आप देखो, पहली लाइन में लिखा हुआ है हरियाणा एक अच्छा राज्य है, दूसरी में क्या लिखा हुआ है कि वहाँ की फसलें बहुत अच्छी हैं, तो चेंज आ गया वहाँ पर। तो ये है विकारी शब्द। और मैं, हम, हमें, इस तरह के शब्द जो हैं ये भी विकारी के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप ले सकते हैं, एक उदाहरण हम आपको बता दें, कुत्ता, कुत्ता रो रहा है, कुत्ते रो रहे हैं, तो ये चेंज आ गया। तो मैं, हम, हमें, ये जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे और वहाँ पर जो है हम आपको रिप्लाई भी करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आपका ये उत्तर जो है वो सही है या गलत है। तो कमेंट सेक्शन में आप इनको जो है, मैं, हम, हमें, ये जो है वाक्य में प्रयोग कर दीजिए, लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। और अब हम चलते हैं अविकारी शब्द की ओर। अविकारी क्या होता है? जिसमें परिवर्तन ना हो। विकारी का विलोम ही होता है अविकारी। ये हिंदी ग्रामर का सबसे इजी टॉपिक है। विकारी जिसमें परिवर्तन आ जाए, जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, और अविकारी जिसमें परिवर्तन ना हो। अविकारी कौन कौन से हैं? किंतु, परंतु, ताकि, जब, तब, ये जो सारे शब्द हैं, ये सभी शब्द जो हैं अविकारी के अंतर्गत आते हैं। तो अविकारी को जो है चार भागों में बांटा गया है, जैसे समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्म्यादि बोधक, और चतुर्थ है हमारे पास क्रिया विशेषण का। तो आप देख लेते हैं, सबसे पहले समुच्चय बोधक। जो एक शब्द जो है वो वाक्य या वाक्यांश को जोड़ दे आपस में, वो होता है समुच्चय बोधक। जैसे जब और तब को ले लीजिए आप। जब तब, जब मैं मोहन के घर गया तब वो चाय पी रहा था। तो ये जो है वाक्यांश हमारे पास जुड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा समुच्चय बोधक। अब द्वितीय पे आ जाते हैं हम। दूसरा था हमारे पास संबंध बोधक। एक शब्द जो है किसी संख्या या सर्वनाम के, किसी संख्या को जो है सर्वनाम के वाक्यांशों के साथ जोड़ दे, आपस में जो उनका जो है मेल करा दे, वो है संबंध बोधक। और तृतीय जो है आ जाएगा विस्म्यादि बोधक। विस्म्यादि बोधक में क्या हो, जहाँ पर हर्ष, भय, शोक, ग्लानी, घृणा, तिरस्कार, इन सभी भाव का हमें जहाँ पर बोध हो। अब हम उदाहरण से लिखते हैं, जैसे विस्म्यादि बोधक में इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और यहाँ पर क्या होता है, एक डंडा होता है पूर्ण विराम की तरह, उसके नीचे जो है एक डॉट होती है, उसको कहते हैं हम विस्म्यादि बोधक। इसमें क्या होता है, जैसे अब आप लगा लो, उदाहरण से हम बताते हैं, वाह क्या खेला है, तो वाह के बाद वो जो है उसका चिन्ह है एक, उसको कहते हैं हम विस्म्यादि बोधक। जैसे शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है। शोक में हम कहते हैं हाय, बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ, ऐसे जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। घृणा में कैसे कहते हैं हम, छी छी, वो तो बहुत बेकार है, उसके साथ में बात करना वो तो बहुत गंदा है, इस तरह से हम बात करते हैं। और उल्लास में हम कहते हैं हवा, आज तो मज़ा ही आ गया, बहुत अच्छा मैच था, इस तरह से करते हैं। और भय जहाँ पर हमारा प्रकट हो, वहाँ पर जैसे ओ 8 बज गए अभी तक तो बहुत देर हो गई है, तो ये जहाँ हम ये रिएक्शन दें ये थोड़ा भय का होगा। तो इस तरह से जहाँ पर वाक्य में जो ये शब्द जो प्रयोग हुए हैं अलग से, ये चेंज नहीं होते, हाय, अरे, ओ, ये जो है हमें
विस्म्यादि बोधक अविकारिका बोध कराते हैं। और आखिरी हमारा रह गया है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में कैसे होगा, जो शब्द हमें किसी क्रिया की रीति या फिर विधि की विशेषता बता रहे होते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण। जैसे कदाचित है, किंतु है, ताकि है, इस तरह से जैसे छाता लेते जाओ ताकि तुम वर्षा में ना भीग पाओ, बारिश आ जाए तो छाता लेते जाओ ताकि तुम गीले ना हो। तो इस तरह के उदाहरणों से जो हैं हमारे अविकारी शब्द और विकारी शब्द जहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ये टॉपिक हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।